हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सभी का झारखंड फाइटर्स बाय SK7 यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत करता हूँ। आप सभी अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे, यह मैं उम्मीद करता हूँ। तो लेक्चर का शुरुआत करते हैं दो लाइंस के साथ। तेरे छोड़ जाने की शिकायत करूँ भी तो किससे, तेरे छोड़ जाने की शिकायत करूँ भी तो किससे, तुझे पाने के बाद मैं तो रब को भी भूल गया था। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग कुरमाली प्रैक्टिस सेट का 8वां पार्ट करने वाले हैं। बहुत से स्टूडेंट्स के क्वेरी आ रहे थे कि वीक में एक दिन प्रैक्टिस सेट कराइए। बहुत ही जल्द सरान यानी क्रिया पर मैं लेक्चर्स अपलोड करूँगा। मैंने जितने भी टॉपिक्स कराए हैं, अगर आपने उन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लिया, आपके उस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हा फाड़ी रहा कर्मा ने किना है, यानी कि हा फाड़ी रहा का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए हा करी रहा, ऑप्शन बी आशाएं रहा, ऑप्शन सी गादा रहा या ऑप्शन डी खानी रहा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आशाएं रहा, यानी कि आशा में रहना। तो अभी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक टुपा फूल पथी कने लिखल आहे, यानी कि एक टुपा फूल पुस्तक किन्होंने लिखा। ऑप्शन ए डॉक्टर HN सिंह, ऑप्शन बी खुदीराम सिंह, ऑप्शन सी खुदीराम महतो या ऑप्शन डी मुक्तिपद महतो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मुक्तिपद महतो। तो भी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुरमाली साहित्य के कतिक भागे बांटल जाए पारिक, यानी कि कुरमाली साहित्य को कितने भागों में बांटा जा सकता है। ऑप्शन ए अना, ऑप्शन बी दना, ऑप्शन सी टेना या ऑप्शन डी माचा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टेना, यानी कि तीन। कुरमाली साहित्य को जो है तीन भागों में बांटा जा सकता है। अना का मतलब एक होता है, दना मतलब दो और माचा का मतलब पाँच। मैंने कुरमाली गिनती का लेक्चर्स अपलोड किया है, वो लेक्चर आप देख सकते हैं। तो अभी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुरमाली भाषा परिषद का स्थापना कब हेल आहेक, यानी कि कुरमाली भाषा परिषद का स्थापना कब हुआ। ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी 1980 या ऑप्शन डी 1985। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1975। कुरमाली भाषा परिषद की स्थापना जो है 1975 ईस्वी में हुआ। तो अभी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। झोंपा कीना बाचिक आंगा आहिक, यानी कि गुच्छा जो है कौन से प्रकार का संज्ञा है। ऑप्शन ए कट बाचिक आंगा, ऑप्शन बी दरिब बाचिक आंगा, ऑप्शन सी डिंग बाचिक आंगा या ऑप्शन डी दही बाचिक आंगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डिंग बाचिक आंगा, यानी कि समूहवाचक संज्ञा। ध्यान दीजिएगा, मैंने आंगा यानी संज्ञा पर बहुत ही डिटेल्स में लेक्चर कराया है, वो लेक्चर आप जरूर देखना। कुरमाली महानी आंगा किना रकम एक आहेक, यानी कि कुरमाली में संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए अना, ऑप्शन बी दना, ऑप्शन सी चारा या ऑप्शन डी माचा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी माचा, यानी कि पाँच। कुरमाली में जो है संज्ञा पाँच प्रकार के होते हैं। तो अभी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्वनाम के कुरमाली माने किना कहल जाए, यानी कि सर्वनाम को जो है कुरमाली में क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए सर्वनाम, ऑप्शन बी आईजी, ऑप्शन सी सरान या ऑप्शन डी आहना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आईजी। सर्वनाम को जो है कुरमाली में आईजी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, सरान का मतलब क्रिया और आहना का मतलब लोकोक्ति होता है। तो अभी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कारक के कुरमाली माने किना कहल जाए, यानी कि कारक को जो है कुरमाली में क्या कहते हैं। ऑप्शन ए परिक, ऑप्शन बी दशा, ऑप्शन सी ARB या ऑप्शन डी जहन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ARP। कुरमाली में जो है कारक को परिक या दशा कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, जहन का मतलब पुरुष होता है। तो अभी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुरमाली माने लेखा किना रकम एक आहेक, यानी कि कुरमाली में जो है वचन कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए अना, ऑप्शन बी दना, ऑप्शन सी माचा या ऑप्शन डी टेना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दना, यानी कि दो। कुरमाली में जो है वचन दो प्रकार के होते हैं। तो भी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
कुरमाली माने पर एक किना रकम एक आहेक, यानी कि कुरमाली में कारक जो है कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए झेग, ऑप्शन बी गई, ऑप्शन सी सिंहम या ऑप्शन डी कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोनो नहीं। कुरमाली में जो है परिक यानी कि कारक 8 प्रकार के होते हैं। झेग का मतलब 6 होता है, गई यानी कि 7 और सिंहम का अर्थ 10 होता है। तो भी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भूई किना लिंग आहे, यानी कि जमीन कौन सा लिंग है। ऑप्शन ए नारा लिंग, ऑप्शन बी मेरी लिंग, ऑप्शन सी दूजी लिंग या ऑप्शन डी लहरा लिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लहरा लिंग, यानी कि नपुंसक लिंग। भूमि जो यानी कि जमीन जो है नपुंसक लिंग है। तो अभी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुरमाली माने आईजी किना रकम आहे, यानी कि कुरमाली में जो है सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7 या ऑप्शन डी 8। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 8। कुरमाली में जो है सर्वनाम 8 प्रकार के होते हैं। तो भी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम के कुरमाली माने किना कहल जाए, यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम को कुरमाली में क्या कहते हैं। ऑप्शन ए खंचवाचक आय जी, ऑप्शन बी नातावाचक आय जी, ऑप्शन सी ठेकानवाचक आय जी या ऑप्शन डी अनठेकानवाचक आय जी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खंचवाचक आय जी, यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। ध्यान दीजिएगा, नातावाचक आय जी यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम, ठेकानवाचक आय जी यानी कि निश्चयवाचक सर्वनाम और अनठेकानवाचक आय जी यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो भी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुरमाली माने सरान किना रकम में आहे, यानी कि कुरमाली में जो है क्रिया कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7 या ऑप्शन डी 8। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 8। कुरमाली में जो है क्रिया 8 प्रकार के होते हैं। बहुत ही जल्द मैं सरान यानी कि क्रिया टॉपिक पर लेक्चर अपलोड करूँगा। तो अभी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कर चिन्ह किना परिक आहे, यानी कि कर चिन्ह जो है कौन से कारक का है। ऑप्शन ए नाता परिक, ऑप्शन बी बांधान परिक, ऑप्शन सी बेलक परिक या ऑप्शन डी कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नाता परिक। मैंने परिक यानी कि कारक पर बहुत ही डिटेल्स में लेक्चर कराया है, आप वो लेक्चर जरूर देखना। तो अभी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। काल के कुरमाली माने किना कहल जाए, यानी कि काल को जो है कुरमाली में क्या कहते हैं। ऑप्शन ए सरहान, ऑप्शन बी आना, ऑप्शन सी जान कहनी या ऑप्शन डी बेरा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बेरा, यानी कि काल। कुरमाली में जो है काल को बेरा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, सरहान का मतलब क्रिया, आना का मतलब लोकोक्ति और जान कहनी का मतलब पहेली होता है। तो भी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुरमाली माने बेरा किना रकम एक आहे, कुरमाली में जो है काल कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3। कुरमाली में जो है काल 3 प्रकार के होते हैं। पहला चलती बेरा, दूसरा बीती बेरा और तीसरा अवती बेरा। चलती बेरा का मतलब वर्तमान काल, बीती बेरा का मतलब भूतकाल और अवती बेरा का मतलब भविष्यत काल होता है। तो अभी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं जा रहा हूँ कर कुरमाली अनुवाद किना है, यानी कि मैं जा रहा हूँ का कुरमाली अनुवाद क्या है। ऑप्शन ए मोय जाओला, ऑप्शन बी मोय जाहो, ऑप्शन सी मोय जाओला है या ऑप्शन डी सभे गिला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोय जावेला। ध्यान दीजिएगा, मोय जाहो का मतलब मैं जाता हूँ, मोय जावल आए का मतलब होता है मैं जा चुका हूँ। तो अभी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुरमाली कौन भाषा परिवार एक है, यानी कि कुरमाली जो है कौन से भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए आर्य भाषा, ऑप्शन बी अग्नि भाषा, ऑप्शन सी द्रविड़ भाषा या ऑप्शन डी चीनी भाषा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्य भाषा। कुरमाली जो है आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। तो अभी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अहिरे खाजा खजते जाए, पूछा पूछते जाए, कथिक धुरे फालना कर घर रे।
इटा किना लोकगीत है, यानी कि जाहिली भूला कोई किसान का घर भूल गया है, लेकिन खोजते खोजते दूसरों से पूछते पूछते जा रहा है कि फलाने का घर कहाँ है। ये कौन सा लोकगीत है ध्यान दीजिएगा, जाहिली भूला का मतलब होता है दिवाली की रात में गांव के लोग झुंड में गीत गाते हैं और गांव के घर घर जाते हैं, और उसी समय जो गीत गाया जाता है उसे जाहिली भूला गीत कहते हैं। ऑप्शन ए डमकच, ऑप्शन बी बांदा परब, ऑप्शन सी करम या ऑप्शन डी बिहा गीत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बांदा परब। ये लोकगीत जो है बांदा परब का है। मैंने बांदा परब से रिलेटेड जितने भी लोकगीत हैं मैंने वो लेक्चर कराया है, आप वो लेक्चर ज़रूर देखना। तो अभी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। झारखंड में बड़ो सूरज मंदिर कहाँ है, यानी कि झारखंड में जो है बड़ा सूरज मंदिर कहाँ है। ऑप्शन ए रामगढ़, ऑप्शन बी जमशेदपुर, ऑप्शन सी बोकारो या ऑप्शन डी एदेलहातु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एदेलहातु। बड़ो सूरज मंदिर जो है एदेलहातु बुंडू में है। तो अभी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दसम फॉल कौन नदी आहेक, यानी कि दसम फॉल जो है कौन से नदी में है। ऑप्शन ए राढ़ू, ऑप्शन बी सबरनखा, ऑप्शन सी कांची या ऑप्शन डी करकरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कांची। दसम फॉल जो है कांची नदी में है। तो अभी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तीन खेदा इटा किना है, यानी कि तीन खेदा ये क्या है। ऑप्शन ए जानकहनी, ऑप्शन बी मोहजरा, ऑप्शन सी आना या ऑप्शन डी कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहजरा, यानी कि मुहावरा। तो अभी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तीन खेदा कर्मा ने किना है, यानी कि तीन खेदना का मतलब क्या है। ऑप्शन ए रागे हवा, ऑप्शन बी लाज खावा, ऑप्शन सी कीरा खावा या ऑप्शन डी सबाड़ करा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सबाड़ करा, यानी कि बर्बाद करना। तो भी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मुरुख ना बुझे डैस ना सीझे, ई खाली जाएगा टाके पूरा करा हक। ऑप्शन ए ईंट, ऑप्शन बी गुटी, ऑप्शन सी पाथर या ऑप्शन डी काट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पाथर। मुरुख ना बुझे पाथर ना सीझे। तो अभी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कवि गौरंगिया काकर परम भक्त रहे, यानी कि कवि गौरंगिया जो हैं किन के परम भक्त हैं। ऑप्शन ए शिव, ऑप्शन बी विष्णु, ऑप्शन सी राधा या ऑप्शन डी श्री कृष्ण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी श्री कृष्ण। कवि गौरंगिया जो है श्री कृष्ण के परम भक्त हैं। तो दोस्तों ये था कुरमाली प्रैक्टिस सेट का 8वां पार्ट। आप कमेंट करके बताना आपके टोटल कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए। तो दोस्तों आज के लेक्चर में यहीं पे एंड करता हूँ। आशा करता हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप इस चैनल पे न्यू हो और आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि पूरी दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें और अपना पढ़ाई मन लगा कर करते रहें और अपने माँ बाप का हमेशा आदर करें। आपसे जल्द मुलाकात होगी। धन्यवाद।